हाय, दिस इज़ पारस अरोड़ा, और मेरी तरफ से और प्रेस न्यूज़ टीवी की तरफ से आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी लोहड़ी। इससे जस्ट पहले ये सीक्वेंस हुआ है कि मैंने कोशिश करके बाबूजी को मनाया था कि माँ अंकल से एक बार बात कर ले, पर निमृत जी की कुछ बातें बाबूजी सुन लेते जिसमें वो कह रहे हैं कि हम क्यों झुके, अगर झुकना ही है तो बेटे को झुकना चाहिए। वो स्पेशली ये कहती कि तो थूक के चाटने वाला काम हो गया, और ये बात बाबूजी को हिट कर जाती है और इस वजह से वो बात नहीं करते हैं। लेकिन ये निमृत को पता चल जाता है कि बाबूजी ने सुन लिया है, तो उसके लिए वो माफ़ी मांग रही थी। और उसके बाद ये हो रहा है कि ज़मीन का पट्टा जो है वो 3 दिन में खुशवंत के नाम पे लिखे जाने वाला है, और मैं बोलता हूँ कि बाबूजी ये ऐसा नहीं होगा, वो ज़मीन आपकी ही होगी। और उसके बाद जो है अमृता जो है वो बाबूजी को कन्फ्रंट करती है कि हो सकता है कि इस सब के पीछे मान अंकल हो ही ना, और दिखने में कई चीज़ें अलग लगती है लेकिन रियलिटी कुछ और होगी। जी बिल्कुल, बाबूजी का ये 25 साल पुराना सपना है जिसको वीर बिल्कुल भी टूटने नहीं देगा। कुछ भी करके कैसे भी वो ज़मीन तुम्हें बचा के रहूँगा, और वो ज़मीन बाबूजी के नाम ही होगी।